नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSSC नोट्स में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम 12 जून के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही मास वीडियो में इस ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज के समय में सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ में हम आपको इस वीडियो की PDF भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि चीन में संपन्न हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन SCO बैठक में किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया? तो आपके ऑप्शन है जापान, भारत, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किसने नहीं किया था? भारत ने। अगला है कि G7 ने सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए कितना खर्च करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। तो इसमें कितना होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 बिलियन डॉलर खर्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक कितने गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनार्ड मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है? आपके ऑप्शन है 55, 59, 61 या 64। तो इसका जो सही उत्तर होगा 64 गोल दागकर लियोनार्ड मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अगला है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अरविंद सक्सेना, विशेष प्रकाश या आशुतोष चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सक्सेना। दोस्तों, अरविंद सक्सेना को 20 जून से आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये है कि तेलंगाना की उस छात्र का क्या नाम है जो मात्र 16 साल की उम्र में बीटेक की पढ़ाई पूरी करके राज्य के सबसे कम उम्र में महिला के इंजीनियर बनने का खिताब प्राप्त की है? तो आपके ऑप्शन है काशी भट्टी संहिता, आरजू चमलियाल या आरती देवमित्रा या नैनिक जोहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा काशी भट्ट संहिता। तेलंगाना की काशी भट्ट संहिता 16 साल की उम्र में बीटेक से पढ़ाई पूरी कर राज्य की सबसे कम उम्र महिला इंजीनियर बन गई हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है देवेंद्र कुमार, शरद कुमार, अश्विनी नागपाल या संजय सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा शरद कुमार होगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने NIA के पूर्व प्रमुख और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न ये है, 2018 का G7 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? G7 सम्मेलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो 2018 का G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। कनाडा में आयोजित G7 समूह देशों के नेताओं की 2 दिन की शिखर बैठक के बाद साझा वक्तव्य जारी किया गया। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस पद के लिए केंद्र सरकार ने UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है? आपके ऑप्शन है IAS अधिकारी, रेलवे अधीक्षक, कोस्ट गार्ड या पुलिस बल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, IAS अधिकारी। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। अगला प्रश्न ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में हुई हिंसा से भारत में GDP को कितना प्रतिशत हानि हुई है? आपके ऑप्शन है 7%, 8%, 9% या 10%। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 9% की हानि हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है डोमिनिक थियम, रोजर फेडरर या जोवक नोकोविच या राफेल नडाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खिताबी मुकाबले में
ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराकर खिताब जीता है। आती है अब आज के क्विज की बारी, कमेंट ऑफ द डे। आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 13 घंटे 40 मिनट लगातार किशोर कुमार के 151 गाने गाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया। आपके ऑप्शन है कृष्ण प्रेम, शैलेश टेकर, या विशाल जालान, या श्रीकांत कृष्णन नायर। आपको अपने सही जवाब हमें कमेंट में बताने हैं। इसके सही उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। साथ ही साथ इस तरह से आपको नीचे रेड बॉक्स दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आपसे कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।